खबर आ रही है कि ईरान की मिसाइल उसी के देश में गिरी। ईरान के विपक्षी नेताओं की तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान की एक मिसाइल जो मुमकिन है कि इसराइल पर ही दागी गई थी, लेकिन वो गिर गई है उसी के देश में, यानी ईरान की मिसाइल ईरान में ही उसमें विस्फोट हो गया है। अली अब्बास जी, क्या इस तरह की कोई जानकारी आपको हासिल हो पाई है अभी तक, और क्या आप लोग इस बात को लेकर थोड़े फिक्रमंद हैं कि आयरन डोम जैसा एक डिफेंस स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है वहां ईरान में, और अगर वाकई इसराइल की तरफ से टारगेट किया जाता है कुछ खास जगहों को तो काफी मुश्किल और बदतर हालात हो सकते हैं। पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है इन डेवलपमेंट्स को। जी, जहाँ तक आप आयरन डोम की बात करी, पहले आप आयरन डोम को देखिए, मकड़ी के जाले से भी कमजोर साबित हुआ, एक शीशे से भी ज्यादा नाजुक साबित हुआ, और जितने मिसाइल फायर किए गए थे, खुद जनरल हगारी जो इसराइली सेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि 80-90% मिसाइल जो ईरान के थे वो अपने निशाने पर लगे हैं। तो आप किस आयरन डोम की बात कर रहे हैं कि उसने ईरान के मिसाइल को कितना रोक दिया, क्योंकि आप ये कहें कि हमारे पास, वो तो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। और ये बात दुनिया ने देख लिया कि ईरान जो कहता है वो करता है, वो कर दिखाता है, और ईरान ने कहा था कि अब हमारे सफर का पैमाना लबरेज हो चुका है। और जाहिर है कि जो आयरन डोम, और एक तो नहीं कितनी लेयर थी जिसको क्रॉस करते हुए ईरान के मिसाइल जो है अपने ठीक निशाने पर लगे, और आप ये देखें कि ईरान ने कितनी इंसानियत का और अखलाकी अख्तियार का कदरों का ध्यान रखते हुए सबूत दिया है कि ईरान ने कहीं जो कल रात अटैक किया है, जवाबी अटैक किया है, कहीं सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हत्ता जो है इंडस्ट्रियल को भी निशाना नहीं बनाया है, हत्ता जो है वो किसी सनती मराकज़ को, इकतसादी तजारती मराकज़ को भी निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ फौजी मराकज़ को निशाना बनाया, मुसाद के हेडक्वार्टर को, नोत्यानिंग जो उनका एयरबेस है, उसको, हजारी एयरबेस है, उसको निशाना, सिर्फ फौजी मराकज़ को।